किसी ने ठीक ही कहा है, ठिकाना कब्र है, कुछ तो इबादत कर मुसाफिर। कहते हैं खाली हाथ किसी के घर जाया नहीं करते। दोस्तों, यूं न झांका करो किसी गरीब के दिल में, वह हसरतें बेलिबास रहा कर गई। आज एक छोटी सी कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं और आपसे यह उम्मीद करता हूं कि इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने दिल में जो अनुभव करते हैं या आपका दिल आपसे जो कहता है, उसको मैं अपनी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर चाहूँगा। एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक बार एक रास्ते से गुजर रहा था, एक गरीब का घर। उस घर के अंदर से एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। आवाज में इतना दर्द था कि उस बच्चे को देखने के लिए मैं वहां रुक गया। मेरे कदम आगे बढ़ने से इनकार करने लगे। जब मैं अंदर जाकर देखा तो मैंने पाया एक माँ अपने एक छोटे से बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता मारती है, और जब वह बच्चा रोने लगता है उसकी माँ भी रोने लगती है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने उस महिला से पूछा, बहन आप इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही हो, और मार रही हो मारकर खुद भी रोती हो? उस महिला ने जवाब दिया, भाई साहब मैं क्या बताऊं, इसके पिताजी का देहांत हो चुका है और हम लोग बहुत ही गरीब हैं। उनके जाने के बाद मैं लोगों के घरों में काम कर करके अपने घर के खर्च को चलाती हूँ, इसका भरण पोषण करती हूँ और इसको पढ़ाई के खर्च को भी बड़ी मुश्किल से उठाती हूँ। और ये कम वक्त है कि स्कूल रोजाना देर से जाता है, और स्कूल की छुट्टी हो जाने के बावजूद भी यह काफ़ी देर से आता है। महिला कहती है, मुझे लगता है कि यह स्कूल जाते समय और स्कूल से आते समय बीच में कहीं खेल कूद में रह जाता है, और इसी वजह से यह रोज अपने जो स्कूल की कपड़े हैं ना, इसको गंदा कर डालता है। खैर मैं क्या कर सकता था, मैंने बच्चे को और उसकी माँ को जैसे तैसे थोड़ा सा समझाया और फिर अपने रास्ते पर चल पड़ा। इस घटना के कुछ दिन के बाद एक दिन मैं सुबह सुबह घर के कुछ काम से कुछ सब्जियां खरीदनी थी तो पास की सब्जी मंडी में चला गया। अचानक मेरी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी और बच्चे को देखकर मैं पहचान गया, यह वही बच्चा था जिसको उसकी माँ मार रही थी। मैं क्या देखता हूँ, यह छोटा सा बच्चा मंडी में घूम रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जियां खरीद कर अपनी बोरी में डालते हैं, और बोरी में अपनी सब्जी डालते समय जो कुछ थोड़ी बहुत सब्जी नीचे गिर जाती है, जमीन पर गिर जाती है, वह उस सब्जी को उठाकर वो अपनी एक छोटी सी झोली के अंदर रख लेता है। मैं यह नजारा देखकर परेशानी से सोच रहा था कि आखिर चक्कर क्या है। मैं उस बच्चे का चोरी चोरी पीछा करने लगा। जब उसकी झोली में थोड़ी देर में जब सब्जियां भर गईं, तो वह सड़क के किनारे बैठकर और जितना तेज वह बच्चा चिल्ला सकता था उतनी ऊंची ऊंची आवाज में उस सब्जी को बेचने लगा। मुंह पर मिट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी। ऐसा महसूस हो रहा था कि ऐसा दुकानदार जिंदगी में मैं तो पहली बार देख रहा हूं। अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा, जिसकी दुकान के सामने यह छोटा सा बच्चा अपनी नन्ही सी छोटी सी दुकान लगाया था, और वह आदमी आते ही उस छोटे से बच्चे को जोरदार लात मारकर उसकी नन्ही सी दुकान को एक ही झटके में रोड पर बिखेर दिया। उस बच्चे के बाजुओं को पकड़कर, उस बच्चे को उठाकर धक्के मारकर दूर गिरा दिया। नन्ही सी जान वह छोटा सा बच्चा चुपचाप आंखों में आंसू लिए हुए दोबारा अपनी छोटी सी दुकान को इकट्ठा करके और थोड़ी देर बाद दूसरी जगह एक दूसरे दुकानदार के सामने बड़े ही डरते डरते अपनी छोटी सी दुकान लगा ली। भला हो इस दूसरे दुकानदार का, जिसने
इस बच्चे की दुकान को हटाया नहीं, इस बच्चे से कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्जी थी, ऊपर से दूसरे दुकानदारों की जो कीमत थी उससे भी कम कीमत की सब्जी जल्द ही बिक्री हो गई। और जैसे ही उस बच्चे ने अपनी सब्जी को बेच डाला, वह बच्चा उठा और बाजार में एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को कुछ पैसे देकर और अपना बैग उठाया और बिना कुछ कहे वापस अपने स्कूल की ओर चल पड़ा। मैं भी उस बच्चे के पीछे पीछे धीरे धीरे उस स्कूल की ओर पहुंचा। बच्चा रास्ते में अपने मुंह को धोया, जितना साफ कर सकता था हाथों से ही अपने कपड़ों को साफ किया और फिर स्कूल की ओर वह बच्चा निकल पड़ा। जब तक वह बच्चा स्कूल में जाता, एक घंटा लेट हो चुका था। बच्चा डरते डरते अपने क्लासरूम में प्रवेश करता है। टीचर बड़े ही गुस्से से उस बच्चे की ओर देखते हुए उसको बुलाते हैं। यह बच्चा अपना हाथ फैलाकर दंड पाने के लिए बड़े ही मासूमियत के साथ टीचर की ओर देखता है, मुझसे नहीं रहा गया। मैं बढ़कर टीचर को मारने से रोक लेता हूँ। टीचर कहने लगे, क्या करूँ सर, यह बच्चा रोजाना एक से डेढ़ घंटे लेट करके स्कूल आता है। मैं रोजाना इसको सजा देता हूँ, प्रतिदिन इसके घर जाकर मैं शिकायत भी करता हूँ, लेकिन यह बच्चा है कि मानता ही नहीं। खैर, बच्चा अपनी जगह पर जाकर बैठ कर पढ़ने लगता है। मैंने उसके टीचर का जो मोबाइल नंबर था मैंने लिया और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर एहसास हुआ कि जिस काम के लिए सब्जी मंडी में गया था वह तो काम मैं भूल गया। मासूम बच्चे ने घर आकर माँ से एक बार फिर मार खाई। सारी रात मैं सोच में पड़ा रहा। सुबह उठकर फौरन बच्चे के टीचर को कॉल किया कि मंडी टाइम पर हर हालत में वह जो टीचर हैं वो मंडी पहुंच जाए। कुछ देर बात करने के बाद टीचर भी मान गए। सूरज निकला और बच्चों का स्कूल जाने का वक्त आ गया। वह बच्चा घर से सीधा मंडी की ओर अपनी नन्ही दुकान का इंतजाम करने के लिए निकल पड़ा। मैंने उसके घर जाकर उसकी माँ को कहा कि बहन जी, आप मेरे साथ चलो, आज मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो बेटा है वो स्कूल क्यों देर से जाता है। वह माँ फौरन मान गई और मुंह में कुछ बड़बड़ाते हुए कुछ बोलते हुए चल पड़ी। आज इस लड़के की हाथ पैर की खैर नहीं, आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। खैर, मंडी में लड़के का टीचर भी आ चुका था, मैं भी पहुंच चुका था और उस बच्चे की माँ भी पहुंच चुकी थी। हम तीनों ही अपनी अपनी पोजीशन संभाल कर छुप कर उस बच्चे को देखने लगे। आज भी उसे काफी लोगों से डांट फटकार और धक्के खाने पड़े और आखिरकार वह लड़का अपनी सब्जी बेचकर कपड़े वाली दुकान पर चल गया। अचानक मेरी नजर उसकी माँ पर पड़ी तो क्या देखता हूँ, वह बहुत ही दर्द भरी सिसकियां लेकर लगातार रो रही थी। और मैंने फौरन ही उसके टीचर की तरफ अपनी निगाह की तो बहुत शिद्दत से उसके आंसू बह जा रहे थे। दोनों के रोने से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी मासूम पर बहुत ही जुल्म किया हो और आज उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। आज उसकी माँ रोते रोते घर चली गई और टीचर भी नम आंखों से स्कूल की ओर चल पड़े। बच्चे ने दुकानदार को पैसा दिया और आज उसको दुकानदार ने एक लेडी सूट देते हुए कहा, बेटा आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए हैं, यह अपना सूट ले लो। बच्चे ने उस सूट को पकड़कर स्कूल बैग में रखा और जल्दी जल्दी अपने स्कूल की ओर चल पड़ा। आज भी उस बच्चे को 1.25 घंटे देर हो चुके थे। वह सीधा टीचर के पास गया, अपने बैग को डेस्क के ऊपर रखा और मार खाने की पोजीशन में हाथ फैलाकर टीचर के सामने खड़ा हो गया। टीचर उसे डंडा क्या मारते, टीचर अपनी कुर्सी से उठे और उस बच्चे को अपने गले से लगा लिया। मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर टीचर को चुप कराया
और बच्चे से पूछा, यह जो बैग में सूट है वह किसके लिए है? बच्चे ने जवाब दिया, मेरी माँ लोगों के घरों में मजदूरी करने के लिए जाती है। उसके कपड़े फटे हुए होते हैं जो उसके शरीर को ढक भी नहीं पाते। मेरी माँ के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए अपने माँ के लिए मैंने यह सूट खरीदा है। तो यह सूट अब घर ले जाकर अपनी माँ को आज दे दोगे? मैंने बच्चे से सवाल पूछा। बच्चे ने जवाब दिया और उस जवाब को सुनकर मेरे और टीचर के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। बच्चे ने कहा, अंकल छुट्टी के बाद मैं इसे दर्जी को सिलाई के लिए दे दूंगा। रोजाना स्कूल से जाने के बाद काम करके थोड़े थोड़े पैसे सिलाई के लिए दर्जी के पास जमा किए। टीचर और मैं सोच सोच कर रोए जा रहे थे। आखिर कब तक हमारे समाज में गरीबों और विधवाओं के साथ ऐसा होता रहेगा? उनके बच्चे त्योहारों की खुशियों में शामिल होने के लिए जलते रहेंगे, आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? दोस्तों, यदि आप जीवन बीमा करता है ना, यदि आपके दिल में ऐसे बच्चे को देखकर आपका दिल रोता है, तो मैं कहूँगा यह जो कहानी है, यह कहानी हम जैसों के लिए कष्ट देने वाली है, धिक्कार देने वाली है। यदि कोई पिता, यदि कोई पति बिना इंश्योर्ड हुए ही उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो यह हम जैसों के लिए शर्मनाक बात है। हम खुद तो कहते हैं कि हम लाइफ इंश्योरेंस के एडवाइजर हैं, हम बीमा के अभिकर्ता हैं, और यदि हम बीमा के अभिकर्ता हैं तो क्या इस तरह की चीज़ें समाज में होनी चाहिए? दोस्तों, यदि आप ग्राहक हैं, एक चीज़ सिर्फ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आपने कभी इस विषय में कभी इस तरह से सोचा है? मैं नहीं जानता, आने वाला कल, आने वाला पल, आने वाला समय किसके लिए कैसा होगा, मुझे नहीं पता है, और मुझे यह विश्वास है कि यह आपको भी नहीं पता है। दोस्तों, यदि ऐसा कुछ अपने साथ हो गया, यदि कल हम अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ नहीं रहे, क्या ऐसी सिचुएशन, ऐसा तकलीफ, ऐसा दर्द आप देखना चाहेंगे? एक बार मेरी बात को दृढ़ता से विचार कीजिए। दोस्त, यदि आप अपने पत्नी से प्यार करते हैं, यदि आप अपने बच्चों से लगाव रखते हैं, मैं तो आपसे यही कहूंगा, अपने लिए पर्याप्त जीवन बीमा की पॉलिसी खरीदिए। मैं यह नहीं कहता हूं कि बीमा कराने से आप खुशियों को खरीद सकते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर तमाम वीडियोस पड़ी हुई है, आप वहां देख सकते हैं। मैंने क्लियरली बताया है, बीमा की पॉलिसी से शायद हो सकता है कि आप खुशियों को न खरीद सकें, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, यदि बीमा आप नहीं कराए ना, और बिना बीमा के यदि आपकी डेथ हो गई, आप नहीं रहे, तो निश्चित रूप से खुशियां नष्ट हो सकती है। एक चीज और कहना चाहूंगा, और ऐसे लोगों के लिए कहना चाहूंगा जिन्होंने पॉलिसी तो कराई है, जब कोई एजेंट, कोई अभिकर्ता जाकर पहुंचता है ना, तो आप कहते हैं, सीना ठोक कर कहते हैं, यार मैंने तो पॉलिसी कराई है, लेकिन वो पॉलिसी की कोई भी वैल्यू नहीं होती है अगर उसकी प्रीमियम बंद है। दोस्तों, यदि आपने जीवन बीमा पॉलिसी कराई है ना, बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको यह ध्यान देना होगा कि क्या आपकी जीवन बीमा पॉलिसी की प्रीमियम समय से जमा हो रही है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी, और इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।